बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के इस दुनिया से चले जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकार सवालों के घेरे में हैं। इस कड़ी में सलमान खान, शाहरुख खान, इन दोनों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सलमान खान और शाहरुख खान सोशल मीडिया यूज़र्स के निशाने पर लगातार बने हुए हैं और इन्हें लेकर जो खबर आ रही है वो यकीनन इनके फैंस को कतई रास नहीं आएगी। बॉलीवुड के खान्स के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने और इन तीनों खान्स की प्रॉपर्टीज़ की जांच की मांग कही है। शनिवार को ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं, खान तिकड़ी की भारत और विदेशों की संपत्ति, खासकर दुबई प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। इन लोगों को किसने और क्यों वहां बंगले और प्रॉपर्टीज गिफ्ट किए, इनकी तह तक जाना ज़रूरी है। SIT, ED, CBI और IT डिपार्टमेंट को इसकी जांच करनी चाहिए। क्या ये तीनों कानून से ऊपर हैं? आपको बता दें, इससे पहले शुक्रवार को सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, क्या बॉलीवुड की खान तिकड़ी सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर मौन हैं। आपको बता दें, सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत के मामले में दखल दिया है और इस मामले में ज़रूरत पड़ने पर CBI जांच की मांग भी की है। इससे पहले उन्होंने कहा था, मैंने सुशांत सिंह मामले में उनके वकील ईशकरण भंडारी से बात की और कहा है वो देखे क्या इस मामले में CBI जांच की गुंजाइश बनती है। मैंने उन्हें सभी तथ्यों की जांच करने को लेकर कहा है। आपको बता दें, फिल्म इंडस्ट्री का माहौल फिलहाल सुशांत के इस दुनिया से चले जाने के बाद काफ़ी ख़राब है। इंडस्ट्री की छवि काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक होती जा रही है और कई लोग कह रहे हैं कि अब इस पूरे मामले में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को दखल देना चाहिए। खैर, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि खान्स की ओर से इन सवालों का कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया दो हिस्सों में ज़रूर बट गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।